ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों व ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। चंदन क्यारी प्रखंड के अंतर्गत सिमुलिया गांव निवासी 29 वर्षीय राजकुमार महता बीते देर रात को एफसीआई गोदाम के अनाज लदा ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना मिलने पर चंदन क्यारी थाना एएसआई संदीप कुमार पूर्ति घटनास्थल पहुंचकर गंभीर युवक को इलाज के लिए चंदन क्यारी सीएचसी पहुंचा, जहां डॉक्टर ने पहला उपचार करने के बाद बोकारो सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया। परिजनों द्वारा सदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा इलाज करने के बाद सिर पर गंभीर चोट की स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स ले जाते वक्त रास्ते में युवक की मौत हो गई। रात को परिजनों द्वारा शव को चंदन क्यारी थाना लाकर रख दिया गया। दूसरे दिन सुबह परिजनों व ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर चंदन क्यारी थाना पहुंच गए। इसकी सूचना मिलने पर प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी व वीडियो अजय कुमार वर्मा चंदन क्यारी थाना पहुंचकर परिजनों व लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया। वीडियो द्वारा वार्ता के लिए चंदन क्यारी प्रखंड कार्यालय बुलाया गया। मिल संचालक से वार्ता सफल नहीं हुआ और गाड़ी मालिक वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। फिर दिन के 3 बजे परिजन व ग्रामीण आक्रोशित होकर घटना स्थल पर चंदन क्यारी झरिया रोड को जाम कर दिया गया। जाम को हटाने के लिए प्रमुख व वीडियो के पहल पर मिल मालिक व ट्रक मालिक ने अंतिम संस्कार के लिए सहयोग राशि दी। इसके अलावा सरकारी राशि दिलवाने की आश्वासन दिया। बताया गया कि मृतक राजकुमार महता HDFC फाइनेंस कंपनी में काम कर रविवार देर रात को घर जा रहे थे। उसी बीच अनाज लदा ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। 1.5 साल का बेटा भी है। सर, यहाँ काफी भीड़ देखने को मिल रहा है, क्या हो? ये रात में राजकुमार माता करके हैं सिमुलिया के, ट्रक के साथ उनका वो मोटरसाइकिल पर सवार थे और अपना ड्यूटी कर घर जा रहे थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ी रोड पे ही आ गई, क्योंकि गाड़ी से हैवी लोड है, इसलिए इसको थाना नहीं ले जाया जा सकता है। अनलोड किए बगैर ले जाना मुश्किल हो गया है, इसलिए यहाँ पर रोड जाम हो जाने की वजह से जाम लगा हुआ है। कुछ लोगों को देखे जाम करने की बात कर रहे थे, तो क्या लोगों को जाम करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको समझा बुझा के जाम को नहीं लगाने दिया गया। क्या उनका वार्ता हुआ सर मुआवजे के लिए? उन लोग मुआवजा विधि के अनुसार जो भी बनता है उनको, वो उनका केस के बाद दिया जाएगा उनको। कहाँ का लड़का सर? ये सिमुलिया का। सिमुलिया का जी। राजू, आप लोग रोड पे आज उतर गए हैं? हम लोग रोड पर बैठे हैं, इसके चलते कि आइए का एक लड़का का मृत्यु हो गया यहाँ रोड पे, एक्सीडेंट हो के। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नियोजन नीति चाहते हैं, नियोजन चाहिए, पैसा चाहिए, इसका जो मुआवजा है उसको चाहिए। तो अभी आप लोग का प्रशासन के साथ वार्ता हुआ तो क्या वार्ता हुआ? तो प्रशासन कुछ नहीं बोला। प्रखंड विकास पदाधिकारी बोले कि हम लोग जो होगा आश्वासन दिए हैं और चले गए। उसके बाद जो अभी गाड़ी मालिक है, जो SP इसका माल है गाड़ी मालिक का, वो भी आए तो वो बोला कि 5,000 रुपया देंगे। 5,000 रुपया में होगा? एक जान चला गया, 5,000 में क्या होगा? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? नियोजन चाहिए, सही मुआवजा चाहिए। तो यदि नहीं आप लोग से वार्ता हो रहा तो क्या कीजिएगा? आप लोग रोड जाम किए हुए हैं, बैठे रहिएगा। लाश के ऊपर लाश जाएगा, इसके बाद लाश के